नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज की मौजूदा दौर में केंद्र में तो भाजपा ने जैसे तैसे करके सरकार बना ली, लेकिन राज्यों में सरकार बना पाना भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल का काम है। ऐसा हो भी क्यों ना, जनता भाजपा से किस कदर ऊब चुकी है ये लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर जाहिर हो गया है। बची हुई कसर राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पूरी कर देंगे। दरअसल भाजपा सत्ता में आने से पहले जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को घेरती थी, आज उन्हीं को अपनी सफलता का मार्ग चुन रही है और बड़े मजे से सत्ता हथियाने में लगी है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करने वाले भाजपा के नेता आज खामोशी साधे हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनाव से लेकर के चुनावी नतीजों के आने तक भाजपा विपक्ष पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगाती थी, लेकिन आज वही भाजपा परिवारवाद का चोला पहने हुए बैठी है। हालांकि अब आगामी चुनाव की बात की जाए तो भाजपा ने फिर से वही पुराना हथकंडा अपनाया है। ऐसा हो वे क्यों ना, दरअसल भाजपा को इस बार के झारखंड चुनाव में इंडिया गठबंधन की ताकत का अंदाजा पहले से ही है, जिसको लेकर के भाजपा अपनी साख बचाने के लिए बैठी हुई लगी हुई है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। झारखंड चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें परिवारवाद से लेकर के भ्रष्टाचार में लिप्त कई चेहरे नजर आए। इसके बावजूद भाजपा के कई नेताओं ने सूची से नाराजगी जताते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया, लेकिन भाजपा इस पर खामोश है। वहीं दूसरी तरफ जब इंडिया गठबंधन में शामिल सत्ताधारी दल JMM ने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो थोड़ी बहुत अंतर कलह सामने आई, जिसके बाद भाजपा के नेताओं ने अपनी गिरेबान में ना झांक करके इंडिया गठबंधन को घेरना शुरू कर दिया, जिसको लेकर के विपक्ष ने अपना बयान जारी करते हुए ना केवल विपक्ष का बचाव किया बल्कि भाजपा को आगे के लिए कड़ी चेतावनी भी दे दी। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा द्वारा फैलाई जा रही ऐसी अफवाहों पर बोलते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर राजद की नाराजगी पर बोलते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस राजद झामुमो साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब घटक दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होता है तो आपसी चर्चा चलती रहती है। जब तक चुनाव के लिए नामांकन दाखिल नहीं हो जाता तब तक सीट शेयरिंग को लेकर आपसी बातचीत चलती रहती है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, घटक दलों की सब चुनाव में एकजुट होकर लड़ने का नौबत आती है तो आपस में चर्चा जारी रहते। ये चुनाव की नामांकन जब तक नहीं भरा जाता तब तक चुनाव में सीट की बंटवारा को लेकर चर्चा होते रहते। आपस में ऐसा चर्चा होना ये रिवाज है। तो जो भी हो, कांग्रेस, RJD, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में राहुल जी, तेजस्वी जी सब मिलके हम एक साथ लड़ेंगे, इसमें कोई दोरा नहीं है। आगे पीछे कमोबेश कुछ हुआ या नहीं हुआ, इसमें चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नामांकन भरने तक चर्चा जारी रहेगी। आपको बता रहे हैं कि झारखंड इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात लगभग फाइनल हो चुकी है। इस बात के संकेत CM हेमंत सोरेन ने रांची में दी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन इस विधानसभा चुनाव को मजबूती से लड़ेगा। उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि गठबंधन में नए सहयोगी के तौर पर लेफ्ट भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 70 सीटों पर गठबंधन में JMM और कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, बाकी सीटों पर, बाकी 11 सीटों पर अलायंस के बाकी साथी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने कोई भी आंकड़ा पार्टियों के लिहाज से नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर बताया कि 11 सीटें राजद और लेफ्ट पार्टियों के लिए छोड़ी गई है। आगे जानकारी दी जाएगी कि कौन कितनी सीटों पर कहां से लड़ेगा। उन्होंने कहा कि 11 सीटों पर राजद और CPIML अपने उम्मीदवार उतारेगा। वहीं इस बीच झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले 3 बार के भाजपा विधायक केदार हाजरा और आजसू के नेता उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। हाजरा और रजक ने एक कार्यक्रम में झामुमो का दामन थामा। हाजरा जामुआ से विधायक हैं और उन्होंने कांग्रेस की मंजू कुमारी को 18,175 मतों से हराकर 2019 में विधानसभा चुनाव जीता था। झामुमो में दोनों नेताओं का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पृथक झारखंड राज्य के निर्माण के आंदोलन में सक्रियता से भाग ले चुके इन दोनों नेताओं से उनकी पार्टी मजबूत होगी। इस बार के चुनाव को लेकर न केवल इंडिया गठबंधन बल्कि भाजपा की काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा ने भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और इस सूची का विरोध भी होने लगा है। दरअसल भाजपा की इस लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने इन 66 उम्मीदवारों में 11 महिलाओं को जगह दी है। राज्य में बीजेपी कुल 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस लिस्ट के बाद सिर्फ 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान बाकी रह गया है।
भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में शामिल प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सीता सोरेन जामताड़ा से, चंपई सोरेन सरायकेला से और गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट के अनुसार ओडिशा के राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की बहू पूर्णिमा साहू को जमशेदपुर पूर्व सीट के लिए बीजेपी ने टिकट दिया है। अर्जुन मुंडा की पत्नी को भी टिकट दिया गया है। मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा कोटका से चुनाव लड़ेंगी और पूर्व सीएम चंपई सोरेन और उनके बेटे दोनों ही चुनाव मैदान में हैं। उनके बेटे बाबूलाल सोरेन की घाटशिला से टिकट दिया गया है, चंपई सोरेन सरायकेला से और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने कोडरमा सीट के लिए नीरा यादव, गांडे सीट के लिए मुनिया देवी, सिंदरी में तारा देवी और निरसा में अपर्णा सोनगुप्ता और छरिया से रागिनी सिंह को टिकट दिया है। चाईबासा में गीता बलमुच और छतरपुर विधानसभा सीट पर पुष्पा देवी भुइया और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत को गुमला विधानसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से 24 पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर 7 उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीजेपी राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 68 पर चुनाव लड़ रही है। बाकी शेष सीटें उसने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी हैं। एनडीए में बीजेपी के प्रमुख सहयोगी दलों में आजसू 10 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर और लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि सूची में नीतीश कुमार को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि सूची आने से पहले जेडीयू ने बड़ी उम्मीद लगा रखी थी कि जिस पर पानी फिर गया है। दरअसल जेडीयू ने एनडीए गठबंधन के तहत जिन 11 सीटों पर अपना दावा ठोका था उनमें एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो भी स्वीकार कर रहे हैं कि गठबंधन के तहत भाजपा ने जिन 2 सीटों को तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिमी को दिया है वो थोपा हुआ है। अब इस सीट का ऐलान होने के बाद भाजपा गठबंधन में आपसी कलह मच गई है। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद ही पोटका से बीजेपी की पूर्व विधायक मेनका सरदार ने इस्तीफा दे दिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। मेनका अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पोटका से 3 बार विधायक रह चुकी हैं। उन्होंने पोटका विधानसभा सीट पर साल 2009 और 2014 में चुनाव जीता था। मेनका सरदार के नाराजगी की वजह भी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि वो हमारी मुंडा के प्रत्याशी बनाए जाने से खफा हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को दिए गए इस्तीफे से उन्होंने अपनी नाराजगी का जिक्र नहीं किया है। अब माना जा रहा है कि मेनका निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। इस बार भी अभी तक उनकी तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आए हैं। ये भी एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं भाजपा ने इस फूट को लेकर के झामुमो सांसद महुआ मांझी से भाजपा की आलोचना की और कहा कि उसने बहुत शक्तिशाली पार्टियों से कई लोगों को छीन लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा विभाजन की राजनीति में विश्वास करती है और उन्होंने ना केवल झारखंड में बल्कि महाराष्ट्र और हर जगह बहुत शक्तिशाली पार्टियों से कई लोगों को छीन लिया है, लेकिन उन्होंने उनको कोई फायदा नहीं हुआ। कई लोग झामुमो में भी शामिल हो रहे हैं। झामुमो और महागठबंधन को भरोसा है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, हर पार्टी चुनाव के पहले बहुत सोच समझ कर कैंडिडेट उतारती है। सबका लक्ष्य होता है जीतना, तो उन्होंने अपना काम किया है और हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन अपना काम करेगी, क्योंकि इस बार सभी जानते हैं कि झारखंड में फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार आने वाली है। बीजेपी ने इसीलिए थोड़ा बहुत सोच समझ कर दिया होगा। कई सीट्स में उन्होंने काफी सोच विचार किया, कई नाम आए गए, तो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी घबराई हुई है, जेएमएम से भी और महागठबंधन से भी, लेकिन इस बार हम लोग जीतेंगे और फिर से यहाँ पर जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने का, वो अधूरा जो काम है उसे पूरा करेंगे। कई नाम, ऐसे नाम जो कल तक पिछले चुनाव में जेएमएम से, खासतौर पर चंपई सोरेन के हो, या फिर अब एक नया नाम जुड़ा है उनके बेटे का नाम, या फिर गीता कोड़ा का हो या फिर सीता सोरेन का हो, कई ऐसे नाम सामने आए जी। इनको कैसे देख रहे हैं, इनको कैसे? देखिए, भाजपा तो पूरे देश भर में तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास करती है। उन्होंने सिर्फ झारखंड ही नहीं, महाराष्ट्र और हर जगह जो बहुत ताकतवर पार्टियां हैं उनमें से कई लोगों को तोड़कर ले गई, लेकिन कहीं भी इसका परिणाम अच्छा नहीं निकला। और जो कैंडिडेट जाते हैं वो बाद में उनको भी लगता है कि शायद हमने गलती कर दी, तो इस तरह से वो लेकर तो गए हैं,
बहुत लोग टूटकर जेएमएम में भी आ रहे हैं, आपने देखा किस तरह से ज्वाइनिंग हो रही है जेएमएम में भी भाजपा के लोगों की, आजसू के लोगों की, तो ये लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जहां जिसको सुटेबल लगता है वो जाते हैं आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बड़ी और ताकतवर पार्टियां होती हैं और जो काम करती है जनता के लिए, जनता दोबारा उन्हें ही चुनती है। इसलिए जेएमएम और महागठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। गौरतलब है कि इस बार फिर झारखंड में जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे एक बात तो साफ है कि अगर कहीं भाजपा इस बार चुनाव में ज्यादा सीटें लाने से पीछे रह जाती है तो इसका खामियाजा भाजपा को न केवल झारखंड राज्य में चुकाना पड़ेगा बल्कि इस मामले में केंद्र में भी भाजपा को इसमें भारी पड़ेगा। खैर, किस दल को कितनी सीटों पर कितनी जीत हासिल होगी ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।